सब्सक्राइब कीजिए हमारे नेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कैसे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 के अंदर लोकल यम रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसकी हेल्प से पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। यम एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम पैकेज का मैनेजमेंट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उस ISO इमेज को माउंट कर लेता हूँ जिससे मैंने सर्वर इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे मैंने ये पहले से यहाँ पे अटैच्ड है, सीडी को अटैच कर लिया है। अब चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर और इस सीडी को करते हैं माउंट। तो उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा माउंट डेव SR0 जो कि DVD का डिवाइस है। यहाँ पे इसको मैं माउंट कर देता हूँ MNT डायरेक्टरी के ऊपर। ये माउंट हो गई, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए ISO इमेज को MNT के ऊपर इसने माउंट कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं etc के अंदर yum.repos.d नाम की डायरेक्टरी में। यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी। किसी भी नाम से हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो कि यम को कॉन्फ़िगर करने में हमारी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे मैं local.repo नाम की एक रिपोजिटरी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम देंगे इसका नाम, इंसर्ट मोड में जाते हैं, local.repo के नाम से मैं फाइल बना रहा हूँ। फिर नेम इज इक्वल टू local.repo gpgcheck इक्वल टू 0। ये इस रेपोजिटरी से को चेक करने के लिए होता है। अगर हम इसको 0 छोड़ देंगे तो इसको चेक नहीं करेगा, 1 कर देंगे तो इसको चेक करेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेगा। इसको इनेबल करना है तो इनेबल्ड इज इक्वल टू 1 और उसके बाद देंगे बेस यूआरएल। हमें वो पाथ देना होता है जहाँ पे हमारे पैकेजेस हैं अभी, क्योंकि हम लोकल रिपोजिटरी बना रहे हैं इसलिए हम लोकल पाथ देंगे। यहाँ पर हम FTP या HTTP जहाँ भी हमारे पैकेजेस हैं वो अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। फाइल colon/SSH MNT, इस फाइल को करते हैं सेव। अब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। यम को करते हैं क्लीन। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारी फाइल जो हमने अभी क्रिएट की है उसके हेल्प से सिस्टम उसको डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए सिस्टम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी रिपोजिटरी इनेबल भी हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हम अपने इस लोकल रिपोजिटरी जो हमने क्रिएट करी है उससे पैकेज इंस्टॉल कर पा रहे हैं या नहीं। तो अभी मैं चेक करके देखता हूँ कि क्या xclock का पैकेज मेरे सर्वर में है या नहीं। तो देखिए xclock कमांड रन नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका पैकेज अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो आइए हम yum के थ्रू कमांड चलाते हैं yum install -y xclock। इस कमांड को चलाने से xclock का पैकेज अगर हमारी रिपोजिटरी के अंदर होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अब उसके बाद अगर हम xclock कमांड चलाएंगे दोबारा तो उस कमांड को रन होने पर एक GUI बेस्ड क्लॉक पॉपअप हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। तो पहले हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं। जी हाँ, इसका पैकेज इसको मिल गया है और इसका इंस्टॉलेशन भी पूरा हो गया है। अब हम xclock कमांड रन करा के देखते हैं। तो देखिए जैसे ही xclock कमांड मैंने रन कराई इसने कोई एरर हमको नहीं दी और एक क्लॉक भी इसने पॉपअप कर दिया। इसका मतलब इसका पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ जो कि पहले से इंस्टॉल नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमारी जो यम रिपोजिटरी हमने क्रिएट करी है वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है और उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं।
यहाँ से सारी रिपोजिटरीज ये दिखा देगा। तो ये जो हमने अभी बनाई थी उसमें 4305 पैकेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम जो नए वीडियोज़ पोस्ट करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।